करके जिनाज का आपको यहाँ तक लाएंगे, इधर सर जिनाज का आपको ये करेंगे। मैं इस दीवार को इधर क्यों लाएंगे, इस दीवार को इधर क्यों लाएंगे? ठीक है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शहर पुंछ जो एक तारीख़ी शहर है और इसमें जो मुसलमानों की आखिरी आरामगाह जिसे कब्रिस्तान कहा गया है, सबसे पहली और बुनियादी बात के कब्रिस्तान की कदर व कीमत, कब्रिस्तान की अहमियत और इसकी फजीलत कि जो कब्र है जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़िंदे इंसान की कदर व कीमत और ज़िंदे इंसान का अदब व एहतराम होता है, इसी तरीके से मुर्दे आदमी की कदर व कीमत और उसका भी एहतराम होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्रों के ऊपर चलने से या कब्र के ऊपर पांव रखने से सख्ती के साथ मना किया है। अब ये कम नसीबी कहिए कि हमारे यहाँ उमूमन यानी पूरे इलाके के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आप देखें कब्रिस्तान का जिस तरीके से तहफ़ होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, तो ये एक यहाँ से शुरुआत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर पुंछ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हज़रत बाबा सैयद गफूर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुर्ब व जवार में, एक तो ये खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ दफन होते हैं कि एक वली कामिल का कुर्ब इन्हें नसीब हो रहा है, और ये इसके तहफ़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ इन लोगों ने कद्दो काविश की है और इस कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, और इसकी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से झाड़ियाँ वगैरह सारी की कटाई करवाई है और इन्होंने बिल्कुल सफाई सुथराई करवाई है। अब ये दीवारबंदी का काम भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ औकाफ़े इस्लामिया की आराजी थी और बहुत अरसे से वो जो है किसी गैर के कब्ज़े में थी, फिर औकाफ़े इस्लामिया भी और उसके अलावा मौजज़ीन शहर की मौजूदगी के अंदर एक फ़ैसला हुआ जिसमें मोहतरम हमारे रियाज आती साहब जो यहाँ मौके के एडमिनिस्ट्रेटर थे इनकी मौजूदगी में एक फ़ैसला हुआ जिसमें उलमाए किराम थे, मौजज़ीन शहर थे, बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था सब लोगों का, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की कद्दो काविश, इसमें इदारा भी है, इसमें उलमा भी हैं, इसमें आवाम भी हैं, इसमें औकाफ़े इस्लामिया भी है, सब लोगों के कद्दो काविश के बाद, यानी ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं, सब लोगों ने कोशिश की और कोशिश करना, हाँ किसी की कम किसी की ज़्यादा और फिर अपनी हैसियत के मुताबिक होती है। बहरहाल मिलजुल करके ये जगह हासिल हुई है। अब उसके बाद बहरहाल सब लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन अहल शहर का जो है वो शिद्दत और सख्ती के साथ उन्होंने ये कहा कि जनाजगाह हमारे पास नहीं है और एक शानदार जनाजगाह यहाँ पर तामीर हो। बहरहाल उसमें औकाफ़े इस्लामिया भी इस पर राज़ी थे, उलमाए किराम भी, और उसके अलावा मौजज़ीन शहर भी, और सारे लोग चाह रहे थे कि जनाजगाह एक अच्छे होनी चाहिए। बहरहाल छोटे मोटे इख्तलाफात भी बीच में आते रहते हैं और इख्तलाफ़ राय होने भी चाहिए, जिंदों के दरमियान इख्तलाफ़ रहता भी है। तो बहरहाल लास्ट में सारे लोग जो हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं और उसका काम शुरू कर दिया, इंशाल्लाह ताला खूबसूरत जनाजगाह बनेगी जहाँ पे जूते उतार कर सब लोग सही तौर पे जो नमाज का तरीक़ा होता है उस तरीके से नमाज जनाजा अदा की जाए, और उसके साथ साथ इस पूरे कब्रिस्तान की जो है वो चार दीवारी भी हो अच्छे तरीके से, या ग्रिल लगे या जो भी चीज़ हो ताकि किसी तरह के जानवर इसमें ना आ सकें, और सफाई सुथराई का ख्याल भी हो। साफ ज़ाहिर है कि ये लाखों बल्कि जितनी जगह है तो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो मेरी गुजारिश भी रहेगी कि इसमें सब लोग आएँ विज़िट करें देखें भी, और उसके बाद आप अगर कोई इसमें मटेरियल देना चाहे तो वो भी दें ताकि अच्छे तरीके से जो है ये इसकी तामीर भी हो सके और इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम और इंसराम भी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो जनाजगाह अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि पुंछ की सबसे बड़ी आवाज़ यही थी कि पुंछ में एक जनाजगाह मखसूस मतलब कोई जनाजगाह नहीं था, कभी यहाँ स्कूल में जनाजा होता था, कभी रोड पे जनाजा होता था, कभी ईदगाह में जनाजा होता था, कभी कभी मजबूरन मस्जिदों में जनाजा पढ़ना पड़ता था क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं थी। सब ने मिलकर एक कोशिश की, जो हमारा रकबा कुछ था 70-80 सालों से ये बाहर था, तो एक दो साल से ये रकबा हमने वापस लिया, फिर इसमें मुश्तरक एक राय बनाकर हमने इसको औकाफ़े इस्लामी की तरफ से इसको वक़फ़ किया कि इसके लिए जनाजगाह के लिए। उसमें फिर यहाँ पे एक कमेटी जो है जिसके तहफ़ जो जिसकी देख रेख करेगी जो कमेटी है, तहफ़ कमेटी के नाम से एक कमेटी हमने यहाँ पे बनाई है, उसको औकाफ में रजिस्टर्ड किया है हमने, तो उसका प्रोसेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है जिसमें जो शहर के अच्छे अच्छे लोग हैं उस कमेटी में हैं, क्योंकि वो वेलफेयर फॉर कब्रिस्तान भी रहेगी और साथ में जनाजगाह का भी रहेगी। जहाँ तक तलक हमारा रहेगा औकाफ डिपार्टमेंट का, इंशाल्लाह शाना बिशाना वक्तन वक्तन हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टेप उठ रहा है पुंछ के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा मिसाल बने कि ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लोग मिलकर जो कब्रिस्तान हमारे जो हैं जो जिनकी बेहरमती हो रही है वो बेहरमती से बच जाएं, ताकि हमारे जो आखिरी मुकाम है, जो कहते हैं आखिरी घर जो है हमारा, हमने यहीं पे आना है। अगर इसकी हालत ख़राब होगी तो हम वहाँ जवाब क्या देंगे,
इसलिए हमारी सबकी कोशिश थी, इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट कर दिया है और इसका कुछ जो लीगली प्रोसेस हैं वो भी हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी खुश नसीबी है क्योंकि सब ने मिलकर कोशिश की, ये ज़मीन वापस आई और आज जो है इस ज़मीन को हमने जनाजगाह की शक्ल में आगे। देखो हम बार बार हमारे उलमाए दीन के साथ जब मीटिंग होती है, मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, बार बार हम मस्जिदों में जुमा के दिन ऐलान करते हैं कि कब्रिस्तान का एक चीज़, छोटी सी चीज़ भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि कब्रिस्तानों में जहाँ 30 कनाल का कब्रिस्तान है, मौके पे वो 20 कनाल है, जो 10 कनाल रकबा है वो लोगों ने उन पर घर बनाया हुए हैं। मैं समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों को कि जानबूझकर, मतलब सब कुछ मालूम होकर कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, उसके बावजूद भी अगर वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ तो बख्शे नहीं जाएंगे, आखिरत में उनका क्या हाल होगा वो खुद जानते हैं। मगर हमारी कोशिश है, बेशक इसमें हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, किस हिसाब से हमारे लिए सोचता है। जहाँ जहाँ इनक्रोचमेंट कब्रिस्तानों की हुई है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा बोर्ड बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वक्फ बोर्ड बनने जा रहा है, जिसके अभी इस टाइम जो है हमारे फारूक खान साहब जो है, उस टाइम हमारे स्पेशल अफसर जो हमारे अपने माजिद जहांगीर साहब हैं, ये बोर्ड बन रहा है। आने वाले टाइम में जितने भी नाजायज़ जिसने भी कब्जा करके रखा हुआ है औकाफ प्रॉपर्टी, इंशाल्लाह उनको छोड़नी पड़ेगी। इस सिलसिले में सबसे पहले यहाँ की अवाम का, यहाँ के उलमाए कराम का, और उसके बाद मेरे अजीज़ आतिफ साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, उनका मशकूर हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, ये सब हम इकट्ठे होकर एक नया प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, ये सब के लिए बराबर है। ये तमाम जो यहाँ के बगैर मजबूत मिलत, बगैर गांव देहात, सब के लिए जगह आखिरी मकाम है, इसकी तरफ सभी ने हमने ध्यान देना है। और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ की इस कमेटी को भी मुबारक देता हूँ जिन्होंने मतलब है ऐसे कुछ तामन कर रहे हैं, बुरे महल वाले तामन कर रहे हैं, शहर वाले तामन कर रहे हैं, ये किसी पर आसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक बनता है। हम ऐसे ही मिलजुल के काम करेंगे अपने उलमा की क़यादत में तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज का क्योंकि मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, मैं बीमार हूँ, इस वक्त मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं मज़ार पे हाजिरी देने के लिए गया था, तो ये इकट्ठा देख कर ही ये एक जुमला मुझे याद आया कि इतिहाद में ताकत है, तो इसमें ही हम सब मिल के ये काम करेंगे, ये किसी पर आसान नहीं करेंगे, ना आतिश साहब करेंगे, ना तो स्टार्ट ही वहाँ से करना चाहिए था मरहूम गनेई साहब से, जो जिन्होंने ये एक बड़ा उस वक्त अपने उस अहदे से MLA थे, मिनिस्टर थे, जो भी थे, उन्होंने उसका भरपूर जायज़ और कानूनी फैसला लेके इस पूरे जगह को नोटिफाई कराया। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये सब जो रकबे, चाहे वो जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट के पास हैं, फौज के पास हैं, ये उस वक्त बाकायदा नोटिफाई हुए, इन पर अपील हुई और उसके बाद जाके अपील खारिज हुई, और आज भी वो नोटिफिकेशन ही का सहारा लेके हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके तमाम खास खुसूसन गनेई साहब के लिए सब दुआ करेंगे, और वहाँ पे उनके मज़ार पे भी हाजिरी दें, और ये सैयद गुहर साहब आता के मज़ार के साथ भी उन्हीं की कबूर है, तो सब के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि ये सब उनकी देन है, उन लोगों की देन है, हमारे वालदैन की देन है जो उन्होंने यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा होगा कि बाकी जगह भी इसी तरह से मिलजुल के तालमेल से, जहाँ जहाँ मैं हमने किसी से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएटिंग करनी है, हमारे रिकॉर्ड ठीक हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से हम जहाँ भी हैं गवर्नर से गुजारिश करेंगे, जो LT के गवर्नर हैं सबसे गुजारिश करेंगे, इंशाल्लाह ये सब ये मामला ठीक होंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम सब मिल के ही ये जायज़ जो मतालबात हैं वो किसी की क़यादत में, सब क़यादत सब लीडर बन जाए तो सब ठीक नहीं होगा, तो हमें किसी